So, dear students, I welcome you all people in my lecture. This is the day 5th of Nice English School's English Communication from Tariq sir. This is the day 5th. Day 5th hai, and my what we are learning? Very soft person. And what? And what? My father is very soft person. And what? Aage kya? And very nice man. Oh wow, superb. So nice father you got. My father is very okay, very good. My father is a tough person. Oh my God. ओके वाओ सुपर्ब. देखो कितने अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं. यू ऑल लाइक योर फादर. आप सब अपने अब्बू को पसंद करते हो है ना. सो सब लोग बोल रहे हैं माई फादर इज़ वेरी सॉफ्ट पर्सन. अच्छा तो अगर सबके पास एकदम आसान एकदम नरम है तो फिर टफ तो होना पड़ेगा ना. मे बी मदर इज़ टफ. इफ़ बोथ आर सॉफ्ट, मदर इज़ सॉफ्ट, फादर इज़ सॉफ्ट, देन प्रॉब्लम हो जाएगा है कि नहीं. यू विल टेक एडवांटेज. आप तो एडवांटेज लेना शुरू करोगे. तो मे बी किसी के अब्बू सॉफ्ट है तो किसी की मदर में भी टफ. इफ़ मदर इज़ सॉफ्ट सो मे बी योर फादर इज़ टफ पर्सन. चलिए वेरी गुड. नाउ लेट मी सेंड द आंसर. देखो बहुत अच्छा आंसर सब ने भेजे है. ऑल पीपल हैव गिवन द राइट आंसर. किसी का भी अपन गलत नहीं बोलेंगे. लेट मी सेंड माई आंसर. मैं अपना आंसर आपको भेजता हूँ. ओके किसी ने भेजा है माई फादर इज़ सॉफ्ट पर्सन एंड वेरी सॉफ्ट पर्सन. क्या बात. माई फादर इज़ ए वेरी सॉफ्ट पर्सन है ना. बट समटाइम्स ही बिकम्स. देखो ध्यान दो, मैं आपको जो भेज रहा हूँ उस पर ध्यान दो. ही बिकम्स ए टफ पर्सन टू. एकदम इजी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ मैं आपको. बहुत इजी कम्युनिकेशन. माई फादर इज़ अ वेरी सॉफ्ट पर्सन. My father is a very soft person, but sometimes he becomes a tough person. देखो बहुत सॉफ्ट है लेकिन कभी कभी टफ पर्सन भी बन जाते हैं. When I teasing anyone, then my dad shout me, है ना. चलिए फिलहाल हम लोग है ना सिंपल प्रेजेंट से बाहर नहीं जाएंगे. अधि अयान जो भी है हम लोग सिंपल प्रेजेंट के दायरे में. We are growing in simple present tense only. हम सिर्फ simple present tense के अंदर ही grow करेंगे. We will learn in simple present. So people, are you enjoying or not? First my question. Are you learning or not? Yes sir, I'm learning. Okay. Okay, very good. Okay, how do you learn? Fast or slow? No, no, give me your correct answer. I learn slowly or I learn very fast. Different answer you can give. I learn very fast. Okay, very good. Super, brilliant. Okay, excellent. Super. Now next question. What is the next question, dear boys and girls? What is the next question? Who will read for me? Does your sister help? No. You have. I think you have left one question. You have left. You have forgot one question. Father is soft or hard, na? How's your mother? Okay. Very good. Okay. How's your mother? आपकी अम्मी जान कैसी है? Does she shout and scold you on your mistakes? Does she shout and scold you on your mistake? क्या आपकी अम्मी जान आपको आपकी गलतियों पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं? Shout का मतलब होता है चिल्लाना, गुस्सा करना. Scold का मतलब भी होता है डांटना. तो चलिए इसका आंसर दीजिए. प्लीज़ गिव मी आंसर. Give me the answer. What answer Daniel has given? That is some mistakes is there. कुछ mistakes वहाँ पे किया है. Daniel has done few mistakes. Now my you people. My mother shout and scold me.
ओके नाउ कम टू द चैट बॉक्स, 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 डियर बॉयज एंड गर्ल्स कम प्लीज कम कम. डज योर मदर, है ना, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर. डज योर मदर शाउट एंड स्कोल्ड यू ऑन योर मिस्टेक्स, गिव मी योर आंसर. बिकॉज कुछ मिस्टेक्स किया आपने. नहीं नहीं, ये जो 1 2 3 नाइस से आया है वो आंसर सिंपल प्रेजेंट के बाहर से जा रहा है. अरिज अंजुम राइट आंसर, शी शाउट्स मी व्हेन आई मेक बिग मिस्टेक्स. वेल डन अरिज अंजुम, बहुत अच्छा आंसर है, सुपर, बहुत अच्छा आंसर दिया अरिज अंजुम ने. अरिज अंजुम वेरी गुड, सुपर. फिजा टेलर, यस शी स्कोल्स मी व्हेन आई मेक बिग मिस्टेक. साइफा मेमन, यस माई मदर शाउट्स मी व्हेन आई डू मिस्टेक्स. वेरी गुड शिफा मेमन. ओके जोहरा शेख, यस माई मदर शाउट्स मी व्हेन आई मेक अ मिस्टेक. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. जुनेद अली रमज़ान, यस शी शाउट्स मी व्हेन आई मेक अ बिग मिस्टेक. अब मेक वर्ड को नहीं यूज़ करेंगे. व्हेन आई डू मिस्टेक, व्हेन आई डू बिग मिस्टेक्स, और व्हेन आई डू सिली मिस्टेक्स. जब मैं सिली मिस्टेक्स करती हूँ, मामूली मामूली गलतियाँ करती हूँ, तो मेरी मदर क्या करती है, मुझे गुस्सा करते हैं, मुझे डांटते हैं. सो यस माई मदर शाउट, देखो मदर सिंगुलर है ना, तो शाउट इट इज़ प्लूरल, प्लूरल आना चाहिए. इज दैट एम आई राइट और रॉन्ग? मदर इज सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर, यस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब शाउट क्या होना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए. दैट मिस्टेक दानियाल हैज डन, दानियाल ने मिस्टेक किया है, ठीक है ना. यस माई मदर शाउट्स मी व्हेन आई डू मिस्टेक्स. ओके बहुत अच्छी बात है. यस माई मदर स्कोल्ड, देखो ये है अबू साद ने स्कोल्ड लिखा है तो वहाँ पे प्लूरल आना चाहिए स्कोल्ड्स. ओके ओके बहुत अच्छी बात. अजबा कुरैशी, सर आई हैव नेटवर्क प्रॉब्लम, आई कैंट हियर सो आई कॉन्ट बी लेफ्ट. नो प्रॉब्लम, आई कैन बी लेफ्ट, इट्स नॉट एन इशू. ओके मुस्कान सैयद, यस शी शाउट्स मी व्हेन आई मेक बिग मिस्टेक. ओके वेरी गुड, वेल डन. चलिए स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सही जवाब दिया है. लेट्स कम टू दी चैट बॉक्स, तो हम चैट बॉक्स में आ जाए. ओके सॉरी, वी विल कम इन व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं. तो दानियाल यू हैव अंडरस्टूड व्हाट मिस्टेक यू हैव डन. दानियाल आपको समझ में आ गया आपने क्या गलती की है. दानियाल व्हाट मिस्टेक यू हैव डन, हैव यू अंडरस्टूड? व्हाट टीजिंग का मतलब होता है चिढ़ाना, टीज करना, चिढ़ाना. सो यहाँ पे टीजिंग हम लोग क्या है ना, सिंपल प्रेजेंट के बाहर जा रहे. तो आप आंसर क्या लिखेंगे? यस माई मदर शाउट्स मी व्हेन आई टीज समवन, और व्हेन आई टीज माई यंगर सिस्टर. माई मदर शाउट्स मी व्हेन आई टीज हर डॉटर. जब मैं उनकी बेटी को चिढ़ाता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे शाउट करते. सो पीपल अंडरस्टूड ना हाउ टू राइट द आंसर्स? यस माई मदर शाउट्स एंड स्कोल्ड मी, स्कोल्ड. नहीं तो टीजिंग नहीं आएगा ना, टीजिंग कैसे आएगा, टीज आना चाहिए. हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाहर नहीं जाएंगे. टीजिंग आई एन जी फॉर्म है, आई एन जी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती. चलिए वेरी गुड. डज योर सिस्टर हेल्प योर मदर इन डेली चाउस? डज योर सिस्टर हेल्प योर मदर इन डेली चाउस? क्या आपकी बहन, आपकी सिस्टर, आपकी वालदा को डेली कामकाज में मदद करती है? गिव मी आंसर क्विकली फास्ट. यस माय सिस्टर हेल्प माय मदर इन डेली चाउस. सिस्टर के बाद में हेल्प आएगा कि हेल्प्स आएगा? हेल्प्स, प्लूरल आएगा. अभी आप लोग ऐसी मिस्टेक मत करो, हेल्पिंग नहीं आएगा डियर. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और सब्जेक्ट सिंगुलर है सिस्टर, तो हेल्प को हम प्लूरल लिखेंगे. यस माय सिस्टर हेल्प्स माय मदर इन डेली चाउस. यस, और अगर नहीं तो आप क्या बोलेंगे? नो माय सिस्टर डजंट हेल्प हर बिकॉज शी इज स्मॉल. इसने लिखा है नो माई सिस्टर. अभी देखो सिस्टर के बाद में डोंट लिखा है. वॉट ही हैज रिटन डोंट, तो डोंट तो नहीं आएगा ना. सिस्टर सिंगुलर है तो डोंट आएगा कि डजंट आएगा? डजंट आएगा ऑफकोर्स, डोंट नहीं आएगा. सिस्टर सिंगुलर है तो डजंट आएगा.
नो माई सिस्टर डजंट हेल्प हर, नहीं मेरी बहन उनकी मदद नहीं करती. नो माई सिस्टर डजंट हेल्प हर, क्यों नहीं मदद करती है? बिकॉज शी इज़ वेरी स्मॉल. काम करने जाएगी तो ग्लास फोड़ देगी, है ना, कप सासर फोड़ देगी. काम करने जाएगी तो नमक के बदले शक्कर डाल देगी, तो पूरा बिरयानी ख़राब हो जाएगा, इज़न्ट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू हेल्प योर मदर, हाउ डू हेल्प योर मदर, व्हाट असिस्टेंस और हेल्प डू यू गिव योर मदर? चलिए इसका जवाब दीजिए मुझे, गिव मी आंसर. हाउ डू हेल्प योर मदर, आप अपनी अम्मी की मदद कैसे करते हो? स्टूडेंट्स आर यू हियरिंग मी? हेलो, ऑल पीपल आर हियरिंग मी? ऑल दी पीपल आर हियरिंग मी? सो प्लीज आंसर मी डियर बॉयज एंड गर्ल्स. सो मेनी स्टूडेंट्स आर साइलेंस नाउ. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सुपर. हेल्पिंग नहीं बोलेंगे, आई हेल्प बोलेंगे. यस आई हेल्प माय मदर इन किचन. ओके, अभी हाउ से क्वेश्चन है तो यस नहीं आएगा. हाउ, व्हाट, इसके जवाब में यस नहीं आता है. ठीक है, चलो देखो मैं आपको जवाब देता हूँ. हाउ डू यू हेल्प योर मदर, ना, तो आप बोलेंगे आई हेल्प माय मदर बाय क्लीनिंग दी हाउस. घर साफ करके मैं अपनी अम्मी की मदद करता हूँ. देखो मैंने यहाँ लिखा हूँ, निशा राठौड़ ने बोला आई हेल्प माय मदर इन किचन वर्क. वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर. साइफा ने लिखा है आई हेल्प माय मदर सो आई गो टू मार्केट डेली टू बाय डेली सप्लाईज. ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है. आई हेल्प माय मदर इन इवनिंग टी. देखो ये आदि और आया ने, उसने बोला आई हेल्प माई मदर, आई कैपिटल आएगा, ऑलवेज कैपिटल. वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर. एज आई गो मार्केट डेली टू बाय डेली सप्लाईज. ओके, जैनब सरदार, आई हेल्प माई मदर क्लीनिंग होम. आई हेल्प माई मदर फ्रॉम वॉशिंग यूटेंसिल्स इन कुकिंग स्मॉल थिंग्स ग्रूमिंग हाउसेस. ओके, वेरी वेरी गुड अजबा कुरैशी. अब्दुल्ला अंसारी बोलता है हेल्प माई मदर बाई क्लीनिंग. वेरी गुड. आई हेल्प, यस यस नहीं बोलेंगे, यस नहीं बोलेंगे, है ना. हाउ के जवाब में यस नहीं आता, मैं बोलूँगा हाउ आर यू, तो आप ऐसा बोलेंगे यस आई एम फाइन. नहीं, हाउ कभी भी डब्ल्यू एच का क्वेश्चन रहेगा उसके जवाब में यस नो नहीं आते. सो स्टूडेंट्स हाउ डू यू हेल्प योर मदर, आप अपनी अम्मी जान की मदद कैसे करते हो? तो आप बोलेंगे आई हेल्प माई मदर बाई कुकिंग फूड, बाई क्लीनिंग यूटेंसिल्स, By washing my own clothes. पहले ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो. I help my mother by cooking food, by cleaning utensil, by washing my own clothes, है ना, by making my own bed. Making bed मतलब बिस्तर लगाना. By making my own bed, अपने बिस्तर में खुद लगाता हूँ, है ना. I help my mother by purchasing daily supplies. मैं डेली सप्लाईज परचेस करके अपनी अम्मी जान की मदद करता हूँ. कोई ऐसा बोलेगा आई हेल्प माई मदर बाय पुटिंग ऑयल ऑन हर हेड, उनके सर में तेल लगा कर उनकी मदद करता हूँ. बस मैं मैड ही ना, बाय डूइंग मसाज ऑन हर लेग, उनके पैर में मसाज करके मैं अपनी अम्मी की मदद करता हूँ. कोई बोलेगा आई हेल्प माई मदर बाय कटिंग द अनियंस, अनियन कटिंग करके अपनी अम्मी की मदद करता हूँ. सो देर आर सो मेनी आंसर्स, सो मेनी वेज टू आंसर्स, so many ways, so many ways. You people are listening, so definitely you will learn. I help my mother in cleaning and I go to market. Okay, very good. Arij Anjum, I help my mother in everything. Wow, kya baat hai. Arij Anjum is big girl now. She must be in standard 12. 12th ki bachchi hai, wo apni ammi ke har kaam mein madad karti hai. Very good. Gurpreet Kaur, I help my mother in cleaning. Very good, Gurpreet Kaur. Seema Bawa, I help my mother in cleaning. Junaid Ali, I help my mother in cleaning. खान सारा अहमद, आई हेल्प माई मदर इन हाउस होल्ड. क्या बात है, वाह, वेरी गुड. ओके, सानिया का आंसर देखते. आई हेल्प माई मदर बाय क्लीनिंग होम, पुटिंग एसेंशियल थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस एंड बाय कुकिंग ऑल्सो. वाह, क्या बात है. सो आई थिंक सानिया विल ब्रिंग सम नाइस फूड
सम नाइस कुकिंग ऑल पीपल अस, हमारे लिए सानिया जो है ना एक अच्छा सा खाना बनाकर लाएगी बिकॉज वो कुकिंग भी करते। चलिए स्टूडेंट, वेल डन, सुपर, ब्रिलियंट, नाइस एंड फैंटास्टिक, थैंक यू सानिया। ओके स्टूडेंट, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड, कैन वी गो फॉरवर्ड, कैन वी गो इन नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? यस आई हेल्प माई मदर, आई टेक ब्रूम एंड आई क्लीन द हाउस। क्या बात है, ब्रूम लेके घर को साफ करते, बहुत अच्छी बात। ओके आर यू इंटरेस्टेड इन कुकिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर डू डज नहीं है, अभी डू डज नहीं है। देखो दानियाल ने लिखा आई हैव इंटरेस्टेड, तो हैव तो आएगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में हैव नहीं है। देर इज़ नो हैव इन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में हैव नहीं है तो आंसर में भी हैव नहीं आएगा। चलिए जवाब दीजिए, प्लीज़ गिव मी आंसर। आर यू इंटरेस्टेड इन कुकिंग? यस सर आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, ऐसा जवाब दे सकते। यस सर आई एम, आई एम क्वेश्चन में आर है तो आंसर में एम आ जाएगा। यस सर आई एम इंटरेस्टेड इन, ओके वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो कुकिंग, डू यू नो कुकिंग? यस आई डोंट नो, नो आई डोंट नो कुकिंग, नो आई डोंट नो कुकिंग, यस आई नो कुकिंग, दो आंसर। यस आई नो कुकिंग, वेरी गुड। और जिसको कुकिंग, जिसको कुकिंग नहीं आता वो क्या बोलेगा? वेरी गुड वेरी गुड, यस आई नो कुकिंग, नो आई डोंट नो कुकिंग। देखो इसका एक अलग एक देखो इसका एक अजीब तरीका है, इसको एक अलग तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। डू यू नो हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक? वेरी गुड। और अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड वेरी गुड, सुपर, ब्रिलियंट, यस नो, वेरी गुड। दो तरीके से क्वेश्चन है, दो तरीके से, डू यू नो कुकिंग और दूसरा है डू यू नो हाउ टू कुक। एक ही क्वेश्चन है उसको दो तरह से पूछेंगे, डू यू नो इंग्लिश रीडिंग और बोलेंगे डू यू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। यस वेरी गुड, डू यू नो हाउ टू कुक और डू यू नो कुकिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कुक मोस्टली, व्हाट डू यू कुक मोस्टली, व्हाट डू यू कुक मोस्टली? ओके आई कुक मोस्टली चिकन, आई कुक मोस्टली दाल एंड राइस, आई कुक मोस्टली चिकन, हाँ वेरी गुड, आई कुक मोस्टली बिरयानी, आई कुक मोस्टली वेजिटेबल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज योर फूड टेस्टी? यस माय फूड इज वेरी टेस्टी, यस माय फूड इज डिलीशियस। क्या बोलेंगे? यस माय फूड इज डिलीशियस, क्या बोलेंगे? आप ऐसा बोलेंगे सर माय फूड इज माउथ वॉटरिंग, बोलेंगे माय फूड इज माउथ वॉटरिंग। ओके वेरी गुड, आप बोलेंगे माय फूड इज माउथ वॉटरिंग, माउथ वॉटरिंग, मुंह में पानी आ जाता है मेरे खाने का नाम सुन के। यस माय फूड इज टेस्टी, डज योर फूड एक्चुअली हैव अ टेस्ट? अलग अलग क्वेश्चन है उसको छोड़ते, डू यू नो हाउ टू मेक टी, डू यू नो? वेरी गुड वेरी गुड, गिव मी क्विकली क्विकली आंसर, फास्ट फास्ट आंसर, क्विक क्विक क्विक। डू यू नो हाउ टू मेक कॉफी,
Do you know how to make milkshake? Okay, next question. Who cooks in your home? Who cooks in your home? Very good. Superb, excellent. Food is more pottery. Okay, my mother's. Okay, very good. Who cooks in your home? Who cooks in your home? My mother. Okay, next question. What does your mother cook mostly? ओके वेरी गुड नेक्स्ट और जवाब दो पीपल आर साइलेंस नाउ बहुत से लोग बच्चे जवाब नहीं दे रहे ओके वेरी गुड माय मदर कुक्स फ्राइड राइस माय मदर कुक मुगलाई माय मदर कुक चाइनीज माय मदर कुक फिश करी अलग अलग तरीके से ओके वेरी गुड सुपर ब्रिलियंट Okay, very good. Okay, next question. Do you like Mughlai? I don't like. Okay, very good. Okay, very good. Next question. देखो अभी ये next question किसके लिए है जिसने बोला मुझे Mughlai पसंद नहीं उसको मेरा question है Why don't you like Mughlai? Sir, because it is very oily. Very good. Or because it is very spicy. Because it is very costly also. और अगर कोई बोलेगा सर आई डोंट ईट मटन आई डोंट ईट चिकन सो आई डोंट लाइक Mughlai ऐसा बोल सकते आप लोग अगर मटन चिकन नहीं खाते तो आप बोल सकते सर आई डोंट ईट मटन आई डोंट ईट चिकन दैट इज़ व्हाई आई डोंट लाइक Mughlai कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डोंट यू लाइक चाइनीज फूड पक्का हूँ अच्छा वेरी गुड सुपर्ब नेक्स्ट क्वेश्चन डज योर ब्रदर लाइक स्वीट मीट अभी आप बोलेंगे सर स्वीट मीट्स क्या होते हैं स्वीट मीट्स मिठाई को बोल मिठाई वेरी गुड सुपर्ब वेरी गुड यस सर माय ब्रदर लाइक स्वीट मीट्स I don't have brother. Oh, so sorry you don't have brother. No problem. You must have your cousin brother also, na? So, what question I asked? Doesn't your brother like sweet meats? So, aap bolenge, yes, sir, my brother likes. Brother singular hai, toh likes plural ho jayega. Aur agar nahi pasand karta, toh aap bolenge, no, sir, my brother doesn't like sweet meats. Next question. Don't you like sweet meats? Kya aapko sweet meat pasand nahi hai? Yes, I like sweet meats. Oh, सर स्वीट मीट्स तो मेरी जान है सर स्वीट मीट्स इज माय एवरीथिंग है ना स्वीट मीट्स एवरीथिंग फॉर मी उसके लिए तो मैं फाइट भी करता हूँ आई फाइट विथ माय ब्रदर आल्सो कभी कभी उसका मैं छीन भी लेता हूँ सम टाइम आई है ना आई नो दैट ओके डियर स्टूडेंट्स आज का मैं लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ बिकॉज रफीक सर इज़ कॉलिंग मी सो मेनी टाइम सो स्टूडेंट्स अब इसको हम कल क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे ख़त्म होने आया है उसके बाद में मैं आपको अब WH क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा अभी डू और डज वाला बहुत हो गया है ना अब WH क्वेश्चन को अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आई रिक्वेस्ट यू पीपल आप लोग इतनी सारी चीज़ें आपने बोले
माई सेल्फ के बारे में, है ना? तो आप लोग माई सेल्फ के ऊपर एक बड़ा सा ऐसे लिख के मुझे दो, कभी देंगे, कल परसों, कल दे सकते हैं? कैन यू से प्लीज? बट जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, वो क्वेश्चन को यूज करके आपको भेजने का है मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक्चुअली लेक्चर ले आते मैं। हाँ बोलिए ना सर। सर बस ख़त्म करने वाला, अगर मुझे आप दो मिनट देंगे तो मैं खुद ही कॉल करूँ। ठीक है चलिए, अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी प्लीज? हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? व्हाट हैपेंड, लिंक फिनिश हो गई क्या?